बेंगलुरु में नए साल के मौके पर लड़कियों और महिलाओं से कई जगहों पर छेड़छाड़ की खबरें आई थीं। इन खबरों के दो दिन बाद अब ऐसा वीडियो सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा। पूरे समाज को शर्मसार करने वाली इस वीडियो में खुलेआम लड़के लड़की से छेड़छाड़ करते दिखे। वीडियो में देखा जा सकता है कि अपने घर से महज कुछ ही दूरी पर जब लड़की रात में सड़क पर अकेली घर की ओर बढ़ रही थी, तब दो लड़के स्कूटर से उसके पीछे से आते हैं और आगे आकर रुक जाते हैं। लड़की को कुछ शक होता है और वो तेजी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन स्कूटर सवार एक शख्स उतरकर उसके आगे खड़ा हो जाता है। लड़की इन मनचलों का विरोध करती है, जिसके बाद लड़के उसे सड़क पर धकेलते हैं और फिर दोनों लड़के स्कूटर लेकर भाग जाते हैं। ये घटना रात करीब 2:30 बजे की है और पूरी वारदात एक घर के बाहर लगे CCTV में कैद हो गई। इस घर के मालिक ने CCTV फुटेज देखने के बाद पुलिस और मीडिया को इसकी जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने फुटेज के आधार पर दोनों लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। तो दो दिन बाद एक बार फिर बेंगलुरु शर्मसार हुआ है। ये घटनाएं बताती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का दम भरने वाले बेंगलुरु में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। जाहिर है कि इन घटनाओं के सामने आने के बाद सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। देखते रहिए DB Live।